ऑस्पिशियस साला में। तो आज हम देखने वाले हैं 27 से 30 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, और ये आपको हेल्प करेगा एसएससी, स्टेट पीसीएस या जितने भी वन डे एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी के लिए आपको ये महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज़ बीन लिस्टेड एज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया बाय ओएजी एविएशन वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है ओएजी एविएशन वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, जो कि एयरपोर्ट के बारे में बताती है। तो सबसे बिजी एयरपोर्ट भारत का कौन सा हवाई अड्डा है, किस हवाई अड्डा को भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, चेन्नई एयरपोर्ट, गोवा इंटरनेशनल या कोचिन एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली का एयरपोर्ट, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे बिजी एयरपोर्ट सूचीबद्ध किया गया है। और ये कौन करता है सूचीबद्ध? ऑफिशियल एयरलाइन गाइड रिपोर्ट, ओएजी रिपोर्ट आता है एयरपोर्ट के लिए। तो ये दिल्ली को किया गया है और ये दुनिया का 10वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और ये किसके अनुसार 10वां है? कि सीट कैपेसिटी, कितने लोग ट्रैवल करते हैं और कितनी फ्लाइट्स देश और विदेश में यहाँ से उड़ती है। तो दिल्ली में जो है इतने सीट्स थे, और इंदिरा गांधी मतलब ये इतने नंबर के, मतलब 34,13,855 लोग यहाँ से ट्रैवल किए थे। और दुनिया का जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी कैपेसिटी है 47,47,300, मतलब अटलांटा में है ये, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। और इंडिया का सबसे बड़ा दिल्ली में है, जो कि दुनिया का 10वां सबसे बड़ा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये रिपोर्ट कौन निकालती है? ओएजी रिपोर्ट के से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री, बाय विच ईयर द ब्रांचेज ऑफ एनआईए विल बी एस्टेब्लिश्ड इन ऑल द स्टेट। एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो जितने भी सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता करने के लिए ये क्या कह रहे हैं कि इसके ब्रांचेज जो हैं, एनआईए के ब्रांचेज सभी स्टेट्स में अभी होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि सभी स्टेट्स में खोल दिए जाएंगे। तो किस वर्ष तक, कब तक ये किया जाएगा? ये 2024 तक किया जाएगा। ये अमित शाह जो हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, ये सारी पता होना चाहिए कि होम मिनिस्टर है ये, अलग अलग मिनिस्टर्स कौन है ये भी पूछ लेता है। तो ये चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये कहाँ किया गया था चिंतन शिविर? हरियाणा में। तो चिंतन शिविर जो होता है, जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरेटरीज, मतलब स्टेट और यूटीज के जितने भी आपको होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसको अटेंड करते हैं। और इस चिंतन शिविर में ही जो है डिसाइड ये किया गया है कि चिंतन शिविर में ये डिसाइड किया गया है कि एनआईए का जो ब्रांच है हर एक स्टेट में 2024 तक खोल दिया जाएगा, जो भी, ताकि ये जो आंतरिक सुरक्षा संसाधन संसाधन है, या जो मुश्किल है, मुश्किलात आती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह जो आती है, उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है। वेयर विल द सेकेंड एलिफेंट सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश कम अप, मतलब दूसरा हाथी अभयारण्य कहाँ आएगा, टाइगर, ये एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में कहाँ आएगा। ये सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस या अन्य एग्जामों में भी पूछ सकता है कि सेकेंड एलिफेंट सेंचुरी कहाँ पे आएगा। तो ये आएगा लखीमपुर खीरी में। तो उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इसका नाम होगा तराई एलिफेंट रिजर्व। तराई एलिफेंट रिजर्व है जिसका एरिया है 3,049 स्क्वायर किलोमीटर्स। दुधवा टाइगर रिजर्व और पिलवित टाइगर रिजर्व को ये मिला करके बनाया गया है, और लखीमपुर और पिलवित डिस्ट्रिक्ट में ये डेवलप किया जाएगा। और इसमें जो है दो टाइगर रिजर्व, दुधवा और पिलवित टाइगर रिजर्व जो है भी शामिल हैं। तो क्या नाम है इसका, टाइगर एलिफेंट रिजर्व का? तराई एलिफेंट रिजर्व। कहाँ पर है ये? लखीमपुर खीरी में है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि एस्टिमेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 21-22 इन मिलियन टन्स।
देखिए, हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन, फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स या हर्ब्स, या हो गया एल्गी मशरूम वगैरह जो आते हैं ना, इसको हॉर्टिकल्चर में गिना जाता है। तो अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि वीट की उत्पाद इस साल क्या होगी, या राइस की उत्पाद इस साल कितनी हुई, तो ये भी पूछ सकता है कि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन इस साल का एस्टिमेटेड क्या है सरकार के द्वारा। तो आंसर्स देखिए क्या है, इसका आंसर है 342.33 मिलियन टन्स। तो आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें इतने मिलियन टन्स एस्टिमेट किया गया है। और इसका एरिया कितना है, हॉर्टिकल्चर का एरिया है 28.08 मिलियन हेक्टेयर है। और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बधाई दिया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी नाम याद होना चाहिए, कितना लैंड पे किया गया है, 28.08 मिलियन हेक्टेयर, और कितना टन्स है, 342.33 मिलियन टन्स जो है एस्टिमेटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट अमाउंट वाज डोनेटेड बाय इंडिया टू यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। बेसिकली ये जो फंड है, इसका यूटिलाइज किया जाता है कि दुनिया भर में जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो दुनिया भर से जो देश हैं उस इस फंड में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं पैसा। तो इंडिया ने भी डोनेशन दिया है इस साल, तो कितना डोनेशन दिया गया है, दिया है, तो इंडिया ने 5 लाख USD, दैट इज़ $500,000 इस फंड में दिया है, ताकि ये आतंकवाद को ख़त्म कर सकें। बेसिकली अभी जितने भी न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आए हैं वो यूज़ किए जाते हैं, नए नए हथियार यूज़ किए जाते हैं, तो उसके लिए हमारे साइड से भी जो होना चाहिए, नए नए हथियार और उसको कॉम्बैट करने के लिए जो है होने चाहिए, उसके लिए जो है भारत ने मदद किया है 5 लाख USD का। तो ये है जो आतंकवादी समूह द्वारा उपयोग की जाने वाली नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी दुनिया भर में सरकारों के लिए नए खतरे पैदा कर रहे हैं, तो उसको कॉम्बैट के लिए जो है इसका CTC के जो कमेटी की मीटिंग हुई थी काउंटर दिल्ली में, वहाँ घोषणा की है कि 5 लाख USD हम देंगे। अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं कि विच क्रॉप हैज़ गॉट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी GEAC अप्रूवल फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, व्यावसायिक खेती की जाएगी। अब कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए ये कमिटी होती है, GEAC के बिना अप्रूवल के कोई भी क्रॉप जो है आप नहीं उगा सकते हैं, कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, तो ये अप्रूव करता है। तो ये किया गया है GM मस्टर्ड को, अभी अप्रूवल फिर से दिया गया। तो ये GM होता क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जो भी मस्टर्ड लेते हैं उसमें कुछ 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 ना कुछ चीज़ ऐड किया जाता है उसके जीन में, ताकि क्या हो सके, उसका यील्ड बढ़ाया जा सके। यील्ड मतलब क्या, उत्पाद 1 हेक्टेयर में पहले जितना होता था उससे ज़्यादा होगा, यील्ड बढ़ जाएगा, और ये मान ले रेसिस्टेंट हो जाएगा, रेसिस्टेंट टू डिजीज, जल्दी बीमारी नहीं लगेगा। तो ये क्या होता है, काफ़ी फायदेमंद होता है, उत्पाद भी ज़्यादा हो जाता है, तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगी। तो ये सरसों, GM सरसों को अभी अप्रूवल दिया है। बेसिकली होता क्या है कि GEAC पहले अप्रूवल देती है, उसके बाद इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से अप्रूवल आता है, और इस अप्रूवल आने के बाद ही वो आप कमर्शियली कल्टिवेट कर सकते हैं। तो ये पिछले बार भी दिया गया था GM मस्टर्ड को, मगर ये इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने नहीं दिया था, जैसे 2017 में जो है क्लियर किया था पहले भी, मगर मिनिस्टर वीटो कर दिया था इसको, कि बोला था आप और इसके बारे में पता कीजिए, GM मस्टर्ड मतलब इन्वायरमेंट को तो कोई ख़तरा नहीं है इसके उगाने से, तो इसीलिए इसको रोक दिया गया। तो फिर दोबारा पढ़ने के बाद, बहुत स्टडी करने के बाद, 5 साल बाद फिर ये जो अप्रेजल कमिटी है फिर से अप्रूवल दिया है इसको। तो देखते हैं अब इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री क्या कहती है। तो पता होना चाहिए किसको अप्रूवल मिला है, सरसों का, GM सरसों को, GM मस्टर्ड को मिला है। अगला क्वेश्चन 7वां है, रिसेंटली बायलेटरल ट्रेड, ये द्विपक्षीय व्यापार जो है बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज क्रॉस्ड, इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड का वैल्यू है वो क्या है। ये ऐसे भी पता होना चाहिए, कोई भी इंटरव्यू में पूछ लेगा आपको, इंडिया और चाइना के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है वो कितना क्रॉस किया है। तो $100 बिलियन ये क्रॉस कर गया है इस साल, USD फॉर सेकेंड ईयर इन द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ इतना। और इंडिया का ट्रेड डिफिसिट भी कितना है, देखिए $75 बिलियन, मतलब ज़्यादा ज़्यादा हम एक्सपोर्ट मतलब वहाँ से मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट जो है हम $75 बिलियन का करते हैं, और एक्सपोर्ट हम मात्र $25 बिलियन का करते हैं। तो ये ट्रेड डिफिसिट कितना है ये भी पता होना चाहिए। तो दोनों मिला करके $100 बिलियन वहाँ से अभी ट्रेड है।
तो ये पता होना चाहिए, व्यापार घाटा 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है भारत का, दूसरे वर्ष ये क्रॉस किया है, मतलब लगातार 2 बार। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ लॉन्च्ड हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स फॉर कंट्री। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं बेसिकली ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है कि फ़ोन भी नहीं है, तो डिजिटल इंक्लूजन कैसे होगा उनका, डिजिटली वो कैसे FD जमा कर पाना या फिर चेकबुक के लिए अप्लाई करना, जितनी भी बैंकिंग सुविधा होती है अभी जो फ़ोन पे सारी सुविधाएं आ गई है, तो वैसे लोग जिनके पास आज भी फ़ोन नहीं है उनके लिए ये किया गया है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। बेसिकली डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में एक आदमी रहेगा जो आपको बताएगा कि कैसे पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है डिजिटली, जिनके पास फ़ोन नहीं है या अन्य सुविधाएँ नहीं है उनके लिए ये किया गया है। तो ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा, क्योंकि 75वां इंडिपेंडेंस डे हम इस साल मना रहे हैं, इसीलिए 75 DBUs इन 70 डिस्ट्रिक्ट, 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री टू कमेमोरेट द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। तो ये किया गया है, तो इसका वही है उद्देश्य, एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री में पहुंचेगा, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी। तो इसमें जो भाग ले रहे हैं 11 पब्लिक सेक्टर बैंक, 12 प्राइवेट सेक्टर भी हैं और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बेसिकली इतने ही कर रहा है, जो बैंक है वही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगा देगा, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ये कब किया है, अक्टूबर के महीने में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब ये देखिए, भारतीय स्पर्धा आयोग जो है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसीलिए हुआ है कि कोई भी एक का कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपटीशन ख़त्म ना करें। क्या होता है कि डोमिनेट करने लग जाती है, जैसे कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल है, फेसबुक है, तो ये सब क्या करती है, डोमिनेट करती है और कंपटीशन ख़त्म करती है। तो फिर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे ताकि बाकी लोग भी जो है अपना काम कर सके, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी डोमिनेट करेगी। तो ये अभी ना इन्होंने पेनल्टी लगाया है गूगल पे, गूगल पे पेनल्टी लगाया है, कितने का पेनल्टी लगाया है, 936 करोड़ का पेनल्टी लगाया है। कंपनी भी बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ में कमाती है, तो हज़ार तो इसीलिए इतनी पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि इनका जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको इसने अब्यूज़ किया है, गलत फ़ायदा उठाया है। प्ले स्टोर जो है, जहाँ से हम डाउनलोड करते हैं अलग अलग ऐप्स, तो उसके रिस्पेक्ट में है, तो इसीलिए इस पे पेनल्टी लगाया गया। उसको बोला गया है कि आप जो अपना है व्यवहार सुधारिए एक टाइमलाइन के अनुसार से। तो अभी पता होना चाहिए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस पे पेनल्टी लगाया, गूगल पे। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल। अब डांस फेस्टिवल वगैरह कहाँ पे अभी आयोजित किया गया है, कुचिपुड़ी नृत्य महोत्सव हुआ था तो कहाँ पे हुआ था ये भी हम पता होना चाहिए। तो ये हुआ था विजयवाड़ा में। तो ये जो है तीसरा वर्ल्ड कुचिपुड़ी नृत्योत्सव समन था, 3 दिन का जो ये था, ये विजयवाड़ा में हुआ था। और ये क्यों मनाया जा रहा है कि इसको यादगार के लिए 93वें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड रिनोड कुचिपुड़ी डांसर थे, क्या नाम था उनका, वेंपति चिना सत्यम जी हैं उनका, करने के लिए ये एनिवर्सरी को करने के लिए किया गया था। और ये किसके किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट और कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी एंड जाहो भारत नृत्यम के द्वारा मिल करके मनाया गया था। इसमें 3,000 से ज़्यादा कुचिपुड़ी डांसर आंध्र और तेलंगाना से भाग लिए थे, तो ये पता होना चाहिए। और किसके प्रसिद्ध ये जो है ना, इनका नाम दे देगा, बोलेगा किससे रिलेटेड है, कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है कि नहीं है, ये वेंपति चिना सत्यम। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया का रैंक इन द रिसेंटली रिलीज मर्सर CFL ग्लोबल पेंशन 2022। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पेंशन इंडेक्स निकालती है कि कौन से देश में पेंशन सिस्टम कितना अच्छा है, तो भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, तो भारत इसमें 41वां नंबर पे है। भारत पेंशन मतलब सिस्टम हमारा उतना अच्छा नहीं है, इसे भी नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको हटा दिया गया NPS को। तो अभी देखिए 43 कंट्री का लिया गया, उसमें 41वें नंबर पे हैं, और मतलब सबसे अच्छा किसका है पेंशन सिस्टम, ये आइसलैंड का है, इसका 4 नंबर देखिए, उसके बाद नीदरलैंड का, उसके बाद डेनमार्क का है, सबसे ख़राब है थाईलैंड का। तो पता होना चाहिए ये सब जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नीदरलैंड, डेनमार्क वगैरह, ये इनका अच्छा है, इंडिया का उतना अच्छा नहीं है। कितना नंबर पे, 41st है, तो ये पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2022 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संगठन के द्वारा निकाली जा रही है। अब देखिए, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी है तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, WHO ही होगा, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह तो होगा नहीं, हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये WHO ने रिलीज किया है और इस रिपोर्ट में क्या बताया है कि COVID-19 पेंडेमिक का असर इस बीमारी पे टीबी पे कैसे पड़ा, उसके बारे में 215 कंट्रीज और एरिया से ये जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 मोस्ट अफेक्टेड बाय इनकम लॉसेस फ्रॉम हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी रिडक्शन। क्या होता है कि गर्मी बढ़ने के कारण, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है तो जो लेबर्स हैं, जो मैनुअल लेबर्स हैं, इनकी इफिशेंसी जो है घट रही है। तो वही बताया गया है कि ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के हिसाब से तो जलवायु ये जो है कमी कितनी हुई है, कैपेसिटी मतलब श्रम क्षमता, आपको काम करना है 10 घंटा का कैपेसिटी है मगर गर्मी बढ़ने की कैपेसिटी आपका 7 घंटा हो गया, तो ओवरऑल पूरे कंट्री के इकोनॉमी पे भी वो असर करता है। सॉरी, तो ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमी पे भी वो असर करता है। तो इसी कारण से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा देश हुआ है, तो भारत में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी घट गई है। इंडिया में 5.4% ऑफ GDP का नुकसान, इंडोनेशिया है उसके बाद सऊदी अरबिया है। चौदवा क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली पिनाकी चौधरी गुजर चुके हैं, इनका निधन हो चुका है, ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे फिल्म इंडस्ट्री से, ये पिनाकी चौधरी बिलोंग करते थे, इनको नेशनल अवार्ड भी दिया गया था और ये 82 साल के थे, हो गए थे, तो एज रिलेटेड जो बीमारियां होती है उनसे इनका निधन हुआ था। अभी ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि दुनिया का सबसे गंदा आदमी, वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन की जो मृत्यु हुई है 94 साल में हुई। अब देखिए कि फिल्म कलाकार है, इतना साफ सुथरा आदमी जो है 82 साल जीता, और दुनिया का सबसे गंदा आदमी जो है उसकी उसका जो निधन हुआ है 94 साल पे हुआ है। तो ये किस देश से बिलोंग करता है, इसका आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, ये बिलोंग करता है ईरान से। इसका नाम जो था अमव हाजी, पूछ सकता है ये ना, इनको डब किया गया था दुनिया का सबसे गंदा आदमी, और ये कहाँ के निवासी थे, ये देजा, साउदर्न प्रोविंस ऑफ फार्स, देजा नाम के गांव में रहते थे। इनको सबसे गंदा आदमी इसीलिए बोला जाता था क्योंकि पिछले 70 साल में इन्होंने नहाया ही नहीं है। इनका क्या मानना था कि ज़्यादा अगर आप गंदे रहोगे, नहाओगे नहीं, तो ज़्यादा दिन तक जिंदगी आपकी बढ़ती रहेगी, और ये सही बात है। ज़्यादा इन्होंने 94 साल में इनकी मृत्यु हुई है, और एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी दि स्ट्रेंज लाइफ ऑफ अमो हाजी 2013 में, जो इनके जो जिंदगी है उनका वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है सोलमा कि उल्फ क्रिस्टनसन न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, अभी इनको चुना गया है नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उल्फ क्रिस्टनसन को, इनका फोटो ये है, इनको किन किन कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए, तो ये स्वीडन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, अभी एक रिपोर्ट आई है, इडल गिव ह्यूरॉन इंडिया फिलंथ्रोपी रिपोर्ट, परोपकार सूची कि कौन जितना ज़्यादा दान करता है, डोनेट करता है 2022 में, इंडियाज मोस्ट जनरल स्टडी किनको मिला है कि कौन सबसे ज़्यादा दान करते हैं पूरे भारत में, भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन है, तो ये उदार व्यक्ति का खिताब मिला है शिव नादर जी को। शिव नादर जो हैं SCL के फाउंडर हैं, SCL के फाउंडर हैं, और ये मोस्ट जनरस पर्सन इन द कंट्री है, और इनका जो एनुअल डोनेशन है वो 1,161 करोड़ है, और मतलब 3 करोड़ पर डे ये देते हैं, और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन भी पता होना चाहिए, ह्यूरॉन इंडिया फिलेंथ्रोफी लिस्ट में, भारत के सबसे उदार का पुनः प्राप्त हो, मतलब पिछले साल भी, और 77 साल इनकी उम्र है। 18वां क्वेश्चन है कि टाइगर ट्रम्प, नेवल एक्सरसाइज है ये, नौसेना का एक्सरसाइज है,
इज कंडक्टेड इंडिया इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किनके किनके बीच, ये पता होना चाहिए, टाइगर ट्रंप है क्या, सबसे पहले नेवल एक्सरसाइज किसके बीच में ये किया जाता है, इंडिया और अमेरिका के बीच में किया जाता है, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में किया गया था, मतलब अभी कॉपरेशन बढ़ रहा है कि डिजास्टर रिलीफ वगैरह कैसे करेगी, कोई आपदा आ जाएगा तो कैसे उनसे निपटा जाएगा, तो उसके लिए ये टाइगर ट्रंप है एक्सरसाइज, पता होना चाहिए। रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ कैंपेन, कैंपेन पूछता है एग्जाम में, तो ये जो रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ कैंपेन कौन सा स्टेट लाया है, तो ये लाया गया है न्यू दिल्ली के कारण, बहुत सारे कैंपेन लाए गए हैं, जैसे पिछला कैंपेन था पटाखे नहीं दिए जलाओ, पटाखे नहीं क्योंकि रोकने के लिए, तो अभी है रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ, बेसिकली ये पॉल्यूशन बढ़ा घटाने के लिए है, रिड्यूस व्हीकुलर पॉल्यूशन के लिए ये लाया गया है। इससे पहले भी एक दिल्ली में सिस्टम लाया गया था कि अगर आप पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो आपको गाड़ी में तेल भी नहीं दिया जाएगा, तो उसको अभी हटा दिया गया है, मगर ये रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ जो है व्हीकुलर पॉपुलेशन को हटाने के लिए लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड 2022, सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड, उत्कृष्ट अवार्ड दिया जाता है किनको दिया गया, ये दिया गया बारबारा मेटकल्फे को दिया गया है, बेसिकली ये अमेरिकन हिस्टोरियन प्रोफेसर है, हिस्ट्री की प्रोफेसर है ये, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दिया है, 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सैयद अहमद खान जो हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी में के दिया गया ये, मुस्लिम के बारे में बेसिकली लिखती है, इंडिया और पाकिस्तान के जो मुस्लिम है उसके हिस्ट्री के बारे में लिखती है ये, तो ये अमेरिकन हिस्ट्री प्रोफेसर मगर एएमयू ने इसको दिया है, प्रसिद्ध अमेरिकन इतिहासकार है बारबारा मेटकल्फे, तो इनका जो बेसिकली काम है ये मुस्लिम आबादी है, इसीलिए एएमयू यूनिवर्सिटी ने इनको दिया है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक हम करते हैं, थैंक यू।